मेरी फोटो कितनी गंदी आई है। थैंक यू बेटा, तुम तो यहाँ बिल्कुल बंदर। और आप? हमारे कुछ फोटोस अखबार में भी आई है, हमें यहाँ से भागना होगा, वो भी जल्द से जल्द। अरे अच्छा नहीं किया, बहुत अच्छा किया। वो दो आदमी ऐसे ही हमारे पीछे पड़े हुए थे। एक काम करते, आज रात यहीं रुक जाते हैं, कल सुबह निकल जाए। बाकी मैं बहुत लकी हूँ, लेकिन कभी कभी डर लगता है कि ये सुख भरे दिन हमसे छिन नहीं जाए। हम यहाँ रहेंगे इनके बीच, इन्हीं की तरह बनके, इन्हें नेत्रहीन बनके। तेरे नहीं मेरे माँ बाप है वो। हाँ हाँ, तुम्हारे माँ बाप है। क्या किया तुमने अपने माँ बाप के लिए, क्या किया मेरे लिए? मेरी जिंदगी नरक बना दी, मेरे बच्चों की जिंदगी नरक बना दी। अरे अपनी बहन का, अपने माँ बाप का, मेरा, मेरे बच्चों का कुछ तो सोचा होता। तेरे को सोचने की जरूरत नहीं है, समझे ना, मैं है उनके लिए। क्या किया तुमने अब तक? हाँ क्या किया तुमने? क्यों किया ये सब? क्यों किया हमारी? कुछ ही दिनों में वो दुनिया से चल बसे। कुछ नहीं बेटा। माँ हमारे पिताजी कहाँ गए? बेटा वो भगवान के पास गए हैं, पर थोड़े दिनों में वापस आ जाएंगे। पर दादी ने तो कहा पिताजी मर गए और वो कभी वापस नहीं आएंगे। नहीं बेटा, वो जरूर वापस आएंगे। और हाँ, दादी ने ये भी कहा कि हमें ये घर छोड़कर जाना होगा, पर हम ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें मुन्नी और गुड्डी के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। अब दादी से कहो ना, हम ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। देखो बहू, तुम अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और निकलो मेरे घर से, मैं अब और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। माँ जी आप हमें यही रहने दीजिए, इतनी बड़ी दुनिया में हम लोग कहाँ जाएंगे? हम यही किसी घर के किसी कोने में पड़े रहेंगे। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्या मेरे बेटे आपके पोते नहीं है? हैं, लेकिन तुम एक बात भूल रही हो कि किरण मेरी बेटी है तो वो तुम्हारी ननद भी है। मेरा छोटा बेटा निरंजन है जो तुम्हारा देवर भी है, और उसके दो बेटे हैं। हमें समाज में रहना है। अगर और किरण की शादी भी करनी है। अगर किरण के ससुराल वालों को तुम्हारी बीमारी के बारे में पता चल गया तो क्या किरण की शादी हो पाएगी?
अरे समाज समाज में हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, लोग थूकेंगे हम पर। बेटे की मौत से पिता ने तो खाट पकड़ ही ली, और कैसे ना कैसे करके हमने उन्हें और दुनिया वालों को ये बहाना करके कहा कि हमारा बेटा कैंसर से मर गया है। अगर किसी को इस बात की भनक भी पड़ गई कि हमारे बेटे को एड्स था या तुम्हें है, तुम्हारे ससुर तो जीते जी मर जाएंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या तुम सिर्फ अपने अकेले की खातिर इस घर को बर्बाद कर दोगी? इसलिए हमने सोचा है कि तुम इस घर से कहीं दूर चली जाओ, और हो सके तो ये शहर छोड़ के चली जाओ। आप मुझे उस गुनाह की सजा दे रहे जो मैंने किया ही नहीं, बल्कि आपके बेटे की वजह से। मेरे बेटे का नाम मत लो। हो सकता है उसे ये बीमारी तुम्हीं से मिली हो। ये आप क्या कह रही हैं? आप मुझे बच्चलन साबित करना चाहती हैं? चिल्लाओ मत, हमारे कहने या ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सच्चाई मालूम है, और फिर बाहर जाकर तुम क्या करती थी हमें क्या पता। आपको मुझ पर इस तरह का इल्जाम लगाते हुए शर्म आनी चाहिए। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए जो मेरे हीरे जैसे बेटे को खा गई और अब इस घर को बर्बाद करना चाहती है। आप एक औरत होकर मुझसे इस तरह की बातें कैसे कर सकती हैं? तुम एक औरत होकर ये कैसे सोच सकती हो कि तुम्हारी ननद की शादी ना हो? इसलिए मैं अब भी कहती हूँ कि किसी गुमनामी की जगह चली जाओ। पता मुझे दे देना, मैं पैसे भेजती रहूंगी, और निरंजन से कह दूंगी कि तुम्हारे लिए जगह का बंदोबस्त कर दे, समझी? आपकी बात सही है माँ जी, पर ये तो सोचिए कि उन बेकसूर बच्चों का क्या कसूर है? कसूर तो उस विमला का है जिसने हमारे बेकसूर भाई की जान ले ली, जो हमारे इस घर का आखिरी सहारा थे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, बेटे की मौत के सदमे से मैं उभर भी नहीं पाई, कि नहीं मुझे बताकर खड़ी हो गई। अरे माँ जी, ये रोने का समय नहीं है, ये समय है निर्णय लेने का। इसने तो बेटा, मैंने तुझसे कहा है कि जल्दी से इसका कोई उपाय सोच ताकि बलासोर से टले। अरे उपाय तो मैं ढूंढ लूंगा उसका, पर आप ये तो सोचिए कि बच्चे बेकसूर हैं। आप विमला से बात क्यों नहीं करते? आप उसे समझाते क्यों नहीं? मैं तो उसे समझा के थक गई, मेरी बात तो वो मानती ही नहीं। उसे बात करने जाती हूँ तो काटने को आती है। क्या मैं अपने घर के बारे में जरा भी नहीं सोच सकती? अब मेरे बस में नहीं है बेटा, तू ये जाकर समझा, मगर ऐसे समझाना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वो रास्ता तो मैं ढूंढ ही लूंगा, पर आप बीच में मत आइएगा। उसे घर से बाहर निकालने के मेरे पास कई रास्ते हैं, छल बल कौशल, किसी ना किसी उपाय से उसे इस घर से बाहर निकालना ही होगा। हाँ बेटा, तभी मैं चैन की सांस लूंगी। मैंने माँ जी से बात की है, पर उन्होंने मुझे घर से निकालने की ठान ली है। आप उन्हें समझाइए, क्योंकि अब आप ही हमारा आखिरी सहारा हो। देखिए भाभी, मुझे आपसे कोई जाती दुश्मनी नहीं है, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। आपने भैया के साथ भागकर शादी की, मैंने माँ और बाबूजी को किसी तरह समझा लिया, लेकिन अब आपको एड्स है। अब इस मामले में मैं क्या कर सकता हूँ? आप बच्चों के बारे में तो कुछ सोचिए, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, वो मेरे बाद दर दर की ठोकरें खाते फिरेंगे। यहाँ रहेंगे तो कम से कम आप किसी तरह उन्हें पाल तो लोगे। मेरे बाद कम से कम मुझे ये आश्वासन तो रहेगा कि मेरे बच्चे सलामत और खुशहाल रहेंगे। इसके लिए मेरे पास एक रास्ता है। क्या? पर आपको मेरा साथ देना होगा। मैं मेरे बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, आप जो भी कहेंगे मैं मानने को तैयार हूँ। तो फिर आपको अकेले ही अपने बच्चों के बिना यहाँ से जाना होगा।
बच्चों के बिना। देखिए आप मुझे गलत मत समझिए, मैं तो सिर्फ इस समस्या का हल बता रहा हूँ। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि रास्ते पर चलने के बाद पता चलता है कि रास्ता कैसा है, और इंसान से वास्ता पड़ने के बाद पता चलता है कि वो इंसान कैसा है। वाह देवर जी वाह, बहुत खूब, आपने तो मुझे जीते जी मार डाला। बहुत अच्छा साथ निभाया आपने। अब एक काम करिए, हम सब लोगों को यही मार डालिए जहर देकर। अरे भाभी जी आप तो बुरा मान गई, मेरा कहने का वो मतलब थोड़ी था जो आप निकाल रही हैं। भाभी जी मैं तो आपकी भलाई की बात कर रहा था। मेरी भलाई की चिंता छोड़ दीजिए, मैं अपना भला बुरा खुद सोच सकती हूँ। और हाँ, मैं कल अपने दोनों बच्चों को यहाँ से लेकर जा रही हूँ बहुत दूर, समझे? लगता है बच्चों को नहीं छोड़ेगी। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन किया क्या जाए? किया क्या जाए? अरे मैं तो सिर्फ बात करने गया था, उस पर इतनी जली कटी सुना दी। उफ, तौबा तौबा तौबा, अरे औरत है या चलता फिरता गालियों का गोदाम। तो फिर सोचा क्या है? सोचना क्या है, मैं तो आपके बताए हुए रास्ते पर चलूंगा। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, आज रात को मैं बच्चों को ले जाऊंगा। और मुझे घर से निकाल दिया, मेरे पास न कपड़े थे न पैसे, मैं दर दर भटकती रही। एक दिन एक सोशल वर्कर ने मुझे कुछ कपड़े दिए और अस्पताल में भर्ती करवा दिया। तब से मैं वहीं पड़ी थी, और जब ये बच्ची आई तो मैंने सोचा जैसे जैसे मेरी अपनी बच्ची आ गई। मैं एक मल्टीनेशनल में इंजीनियर था सर, मुझे किडनी की शिकायत थी, किडनी के ऑपरेशन के लिए मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, और ऑपरेशन के बाद जब मुझे ब्लड चढ़ाया गया वो HIV इन्फेक्टेड था। बस उसके बाद मेरी तबीयत खराब रहने लगी, तबीयत की वजह से मेरी नौकरी छूट गई और मेरी पत्नी मुझसे दूर रहने लगी क्योंकि मुझे एड्स था। तुमसे मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। मिस्टर रोमियो, मुझे पता है आपको कौन सी इम्पोर्टेंट बात करनी है, लेकिन आज मैं आपके झांसे में नहीं आने वाली। ओके प्रिया, प्रिया मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, प्रिया वाकई में बहुत जरूरी बात करनी है मुझे। विनीत, मामा हॉस्पिटल में है और मुझे उन्हें देखने जाना है, तुम्हें पता है ना? हाँ थोड़ी देर बाद चले जाना प्रिया। क्या बात है विनीत? देखो तुम मुझे गलत मत समझना, ऐसे पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ बात क्या है। साफ साफ मैंने अपना ब्लड टेस्ट करवाया प्रिया। ब्लड टेस्ट? एक बार नहीं दो तीन बार करवाया, क्योंकि मुझे यकीन नहीं आ रहा था इसलिए दो तीन बार करवाना पड़ा। तुमने दो तीन दफा अपना ब्लड टेस्ट करवाया? रिलैक्स। क्यों? रिलैक्स। और तुमने मुझे बताया तक नहीं? क्या हुआ? बता रहा हूँ मैं बता, तुम रिलैक्स रहो। बताओ ना मुझे क्या, रिलैक्स, टेल मी व्हाट हैपेंड, व्हाट इज रॉन्ग, क्या हुआ है तुम्हें? रिलैक्स ना तुम प्रिया, मुझे मुझे क्या
मैं HIV पॉजिटिव हूं प्रिया। क्या? देखो मुझे गलत मत समझना, मैं सही कह रहा हूं। तुम होश में तो हो? तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूं। देखो विनीत, मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ, एंड आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ जोक्स, ओके प्लीज। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, डैम इट, आई एम सीरियस। किडनी के ऑपरेशन के दौरान हो गया? तुम झूठ बोल रहे हो, यू आर लाइंग। ये सब कुछ तुम्हारे बिजनेस टूर के वक्त हुआ होगा। ये सब कुछ तुम्हारे नाजायज ताल्लुकात का नतीजा है विनीत, आई नो इट। नहीं प्रिया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, और मेरा किसी भी औरत के साथ नाजायज ताल्लुकात नहीं है। मैं तुम्हारे लिए व्रत करती रही, भगवान से तुम्हारी लंबी उम्र की दुआएं मांगती रही, और तुमने मेरे प्यार और विश्वास का ये सिला दिया है मुझे। नहीं विनीत, मैंने तुमसे कहा था कि जिस दिन तुम्हारे और मेरे बीच कोई और आया, उस दिन हम दोनों का साथ में आखिरी दिन होगा। लेकिन तुम मेरी बात। I am going। मैं अपने मम्मा के घर जा रही हूँ। आइंदा से मुझे मिलने की कोशिश मत करना, और मैं भी कभी तुमसे मिलूंगी नहीं। I hate you, Vinit, I hate you। प्रिया मेरी बात तो सुनो। अरे मैं बेगुनाह हूँ। बस मैंने फैसला कर लिया कि मैं घर छोड़ दूंगा, और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। झूठ क्यों बोलते हो विनीत? तुमने घर नहीं छोड़ा, बल्कि एड्स के नाम से तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर चली गई। रजा, ये सच नहीं है। अगर ये सच नहीं होता तो तुम रात रात में जाग के अकेले रोते रहते। छोड़ ना रजा, जो हो गया उसे भूल जा। और सर, रजाक भाई को एक बुरी लत थी नशा करने की। ये ड्रग्स लेते थे सर। एक दिन एड्स इन्फेक्टेड नीडल से इन्होंने ड्रग्स लिया और इन्हें एड्स हो गया। उसके बाद तो आप जानते ही हैं, पिंकी की वजह से हमने हॉस्पिटल छोड़ दिया। हम दर दर भटकते रहे आसरे की तलाश में। एक टूटे फूटे मकान में हमने आसरा ले लिया सर। कुछ दिन तो बहुत मजे से गुजरे हमारे, मानो हमारा बचपन लौट आया हो। फिर एक दिन हमने देखा कि अखबार में हमारी फोटो छपी। इस डर से कहीं लोग हमें पहचान नहीं ले, हम लोग वहां से भाग निकले। दो वक्त की रोटी और सर छुपाने के लिए छत चाहिए थी। कहाँ जाते हम लोग? आपका ये नेत्रहीन आश्रम का बोर्ड हमने देखा, और हमें लगा कि इससे बेहतर जगह हमें नहीं मिलेगी। बस आपसे छूट कहकर हम लोग यहाँ रहने लगे। बस ये हमारी कहानी है सर। अब आपका जो भी फैसला होगा हम सबको मंजूर है। जी सर। देखिए, आपको यहां रखने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे आश्रम वासियों से पूछना पड़ेगा। ठीक है सर, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। साथियों, मेरी बात ध्यान से सुनिए कि मैं आज आपको एड्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। पिछले साल एड्स अवेयरनेस कैंपेन के तहत मैंने आपको बहुत कुछ बताया था। एड्स एक जानलेवा खतरनाक बीमारी है। यह बीमारी होने की कुछ चार वजह हैं। पहली है गैर जिम्मेदाराना सेक्स रिलेशन से। दूसरा है, अगर किसी को कुछ बीमारी है और ऑपरेशन हुआ है तो उसे HIV पॉजिटिव ब्लड देने से हो सकता है। तीसरा, अगर कॉन्टेमिनेटेड इंजेक्शन सिरिंज से इंजेक्शन दिया गया तो उससे भी एड्स हो सकता है। और चौथा, अगर माता गर्भवती है और उसे एड्स की बीमारी है
तो उसके पेट में पलने वाले बच्चे को भी एड्स होने का खतरा है, वरना एड्स के पेशेंट के साथ बैठने से, उसके साथ बात करने से, उसके कपड़े पहनने से, उसके साथ संबंध रखने से एड्स नहीं होता है। हम लोग खामखा डरते हैं, हम उन्हें अछूत समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें उनके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, प्यार से उनके साथ पेश आना चाहिए और उनकी बीमारी में उनको कैसे बददरुप हो सके। आप लोग तो जानते हैं कि हमारे आश्रम में विनीत भाई, रजाक भाई, विमला जी और पिंकी कुछ समय पहले आए हैं और हमारे साथ रहते हैं। आज विमला जी ने एक बच्चे को गिरने से बचा लिया, तब जाकर मुझे पता चला कि ये लोग अंधे नहीं हैं, ये लोग देख सकते हैं। लेकिन जब मुझे पता चला कि ये सब समाज से तिरस्कृत किए हुए हैं, समाज ने उन्हें निकाल दिया है, उसकी वजह सिर्फ यही थी कि वे लोग एड्स के बीमार हैं। मैं आपकी राय जानना चाहता हूं कि क्या ये लोग हमारे साथ रह सकते हैं। सर, हम सब लोग ने मिलकर फैसला किया है कि चारों यहां रह सकते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने सही फैसला किया है, मुझे आप लोगों से यही उम्मीद थी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। प्लीज कम इन, आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, आई एम डॉक्टर दवे। नाइस मीटिंग यू। एंड दिस इज सिस्टर मीनाक्षी। नमस्कार। नमस्ते। प्लीज सिट डाउन, बैठिए। थैंक यू। थैंक यू। एक्चुअली सर, हमें उन पेशेंट से मिलना है जो हॉस्पिटल से भागकर आपके आश्रम में आ गए हैं। ओह श्योर। सर, हम जानना चाहते हैं वो कैसे हैं, विनीत, रजाक, विमला, पिंकी, उनकी तबीयत कैसी है, आर दे ऑल राइट? सब ठीक है, आप देखना चाहेंगे उन्हें? जी बिल्कुल। देखिए, सोसाइटी ने जिन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था वो कितना यूजफुल काम कर रहे हैं यहाँ। आइए मैं दिखाता हूँ आप, प्लीज। शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रस्ते पे हम। ये देखिए आपके विनीत बाबू, इंजीनियर है, हॉस्पिटल की बेड पर पड़े पड़े क्या करते, लेकिन यहाँ उन्होंने आश्रम की सभी पुरानी मशीनें, सिलाई की मशीनें रिपेयर कर दी। अब उस मशीनों पर जो काम होता है उसे हमारा फंड इकट्ठा हो जाता है। ये तो बहुत अच्छा हुआ सर, ऐसा लगता है नहीं कि ऐसे लोग समाज में इतना काम कर सकते हैं। और आप इनको भी तो जानते हैं, विमला जी। ये विमला सब बच्चों को पढ़ाती है, सिलाई का काम सिखाती है, भजन भी सिखाती है और खुद भी बहुत अच्छा भजन गाती है। मुझे याद है अस्पताल में बहुत बढ़िया भजन गाया करती थी। और रजाक और पिंकी, इन दोनों ने तो सबका दिल जीत लिया है।
सबसे प्यार करना, हंसी मजाक करना, आश्रम का पूरा माहौल बदल दिया है। कोई कह सकता है कि यह हम में से एक नहीं है? वाकई ऐसा लगता ही नहीं कि इनकी जिंदगी इतने चंद दिनों की। मेरी तो ईश्वर से यही प्रार्थना कि ये लोग 100 साल तक जिए। सच विश्वास कमजोर होना। चलिए आई 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 हाँ आइए संभाल संभाल साहब, घबराइए मत। अब आपको यही रहना है, यही आपका घर है। थैंक यू सर, आपने वाकई बहुत बढ़िया काम किया है। We have a lot to learn from you. आप मुझे क्रेडिट मत दीजिए, क्रेडिट इन सब को जाता है। सर, मैंने भी डिसाइड कर लिया है कि अब मैं हॉस्पिटल से रिजाइन करके यही इन लोगों की सेवा करूंगी। रेजिग्नेशन देने की कोई जरूरत नहीं, अब आपको यही रहना है और यही ड्यूटी करनी है। और सिर्फ एड्स के पेशेंट्स की नहीं बल्कि आश्रम के सभी लोगों की देखभाल करनी है। थैंक यू सर, मुझे मंजूर है सर। थैंक यू पिंकी। कोई रुके या कोई चले।